Bad, 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 bad. Let it open. Acha. Break the रिक्शा अच्छी चला लेते हो तुम, एक भी झटका नहीं लगा। धन्यवाद चाचा जी, मेरा तो काम ही सार्थक था, लोगों को उनके निर्धारित जगह पे पहुंचा। वाह वाह, सरस सरस। भाड़ा कितना हुआ? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? अरे भाड़ा कितना हुआ रिक्शा का बोलो। चाचा जी वैसे भाड़ा तो 110 रुपए हुआ, लेकिन आप कुछ मत। तुम्हारी रिक्शा क्या गैस की जगह पानी से चलती है? नहीं नहीं चाचा जी, दरअसल आप उम्र दराज है, बूढ़े बुजुर्ग है, तो इसीलिए आपसे भाड़ा नहीं ले रहा हूँ। ए भाई, तुम मुझे बूढ़ा बोल रहे हो? नहीं नहीं चाचा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, तुमने जो अभी बोला उसका मतलब बूढ़ा ही होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा भाड़ा नहीं दे सकता? नहीं नहीं चाचा जी, वो बात बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी बात है? फ्रेंड्स, लगता है दादाजी और रिक्शा वाले भैया के बीच कुछ तो बहस चल रही है। चलो नीचे जाके देखते हैं। चलो चलो। लोग मदद तो लाचार और मजबूर लोगों की ही करते हैं ना। दादाजी क्या हुआ? अरे देखना टप्पू बेटा, ये मुझसे रिक्शा का भाड़ा नहीं ले रहा है, ये मुझे लाचार बुढ़ा समझ रहा है। वो अंकल, हमारे दादाजी कोई बूढ़े नहीं है, वो आपसे 10 साल और हमसे 2 साल उम्र में कम है। इंसान की उम्र दिल से बड़ी या छोटी होती है, और मैं दिल से अभी भी जवान हूँ, समझा? आपको आपसे छोटी उम्र के इंसान को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं नहीं भाई, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा था। देखो तुम चुपचाप पैसे ले लो। दरअसल चाचा जी, मैं पैसे आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि आज मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से बहुत हिम्मत करके ये सेकंड हैंड रिक्शा खरीदी है, और ये मैंने कामना की थी कि मेरे ऑटो में जो पहला बुजुर्ग, मेरा मतलब है जो मेरे माँ बाप की उम्र का, मेरे दादाजी की उम्र का, उससे मैं भाड़ा नहीं लूंगा। अब आप ही बताइए मैं आपसे भाड़ा कैसे ले सकता हूँ? माफ करना बेटा, क्या है ना कि आजकल तुम जैसे उम्दा सोच रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं ना, इसलिए तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। हमसे भी सॉरी भैया, सॉरी, हमने भी अनजाने में आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें रिक्शा का भाड़ा नहीं दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चाचा जी, मैं पैसे नहीं ले सकता। एक काम करो, तुम ये रिक्शा का भाड़ा ले लो, है? तुम है ना किसी गाय को चारा खिला देना, तो तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी बात भी रह जाएगी, बराबर ना? ठीक है चाचा जी, इसी बहाने मेरे हाथों भी पुण्य का काम हो जाएगा। करेक्ट बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना, खूब तरक्की करोगे। धन्यवाद। आज तुमने ये सेकंड हैंड रिक्शा खरीदी है ना, मेरे आशीर्वाद है कि एक दिन तुम अपने लिए नई गाड़ी खरीदो। धन्यवाद चाचा जी। ओके जी, देखा बच्चों, इससे सीख मिलती है कि इंसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने गुणों और संस्कारों से बहुत बड़ा बन सकता है। ऐसे भले लोगों की वजह से ही इतनी बुराई होने के बावजूद हमारी दुनिया कायम। सही कहा दादाजी। दादाजी, आपके आते ही नए साल में हमें नई सीख मिल गई। अरे बच्चों, तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर। दादाजी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, नया साल का करते हैं पहला काम, लेते हैं आशीर्वाद करके प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ बच्चों, तुम सबको भी हैप्पी न्यू ईयर है। चलो चलो बच्चों, घर चलो, मुझे तुम लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। चलो चलो। मजा आ जाएगा।
मोटी कमर। उड़ गए ना तोते पोपटलाल।